नगरपालिका में अव्यवस्थित कामकाज से परेशान होकर जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने पार्षदों के साथ कलेक्टर से मुलाकात की। कानोर जलदाय विभाग द्वारा सप्लाई किए जा रहे मटमैले पानी, खस्ताहाल गौरव पथ और सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह को लेकर जनता सेना के सुप्रीमो वल्लभ नगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर के नेतृत्व में जनता सेना कानोर नगर पालिका के पार्षदों ने जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा से भेंट की। कलेक्टर को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि शहर से सप्लाई होने वाले फिल्टर प्लांट में समय समय पर सफाई नहीं होने से शहर में मटमैला पानी आ रहा है, जिससे शहरवासियों को बीमारी का डर सताने लगा है। वहीं शहर के गौरव पथ एक बारिश में ही टूटकर खस्ताहाल पड़ा है। पथ को पैचवर्क कर खानापूर्ति की जा रही है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की कुछ महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, जिससे कर्मचारी पालिका के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पालिका इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है और बजट नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया जाता है। इन सभी मांगों को लेकर बुधवार को जनता सेना के सभी पार्षद वल्लभ नगर उपखंड अधिकारी मयंक मनीष को भी ज्ञापन दे चुके थे। कानोर नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर के आज जिलाधीश से हम मिले थे। कानोर नगर में 4 महीने से हरिजनों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। सफाई कर्मचारी बार बार लगातार वहां पर जा कर के और नगर पालिका में आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। इसी तरह से जो गौरव पथ बना है, नगर पालिका ने जिस जगह 2-3 महीने पहले ही गौरव पथ बनाया, वो रोड अभी एक बारिश में ही टूट गई है और पैच वर्क से काम चलाया जा रहा है, लेकिन उसको वापस पुनः डामरीकरण किया जाए, ऐसा मांग कलेक्टर से किया गया। और पानी की जो समस्या है वहाँ की, पीने का पानी जो है वो एक एनीकट से आ रहा है और एनीकट का पानी गंदा है, उसको फिल्टर नहीं करके और गांव में दिया जा रहा है, जिससे बीमारियों के बढ़ने का खतरा है। इसलिए इस बारे में कल जिलाधीश महोदय से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।